हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और ठीक ही रहे हैं। यहाँ पे सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं जो काफ़ी सारे सामान इधर उधर रखा रहता है तो मैं उसको सेट करके रख रही हूँ, और जब थोड़ा मन हो जाता है कि इसको करना है तो उसको करके ही मानती हूँ मैं। तो यहाँ पे सारा सामान जो भी इधर उधर रखा होता है, एक्स्ट्रा चाबियाँ हैं गाड़ियों की वो, और जो भी है सामान काम में नहीं आने वाले, कभी कभार काम में आते हैं जो, तो उनको मैं एक साइड रख रही हूँ इनको। तो थोड़ा जगह काफ़ी सारी स्पेस निकल जाता है तो, और दूसरा सामान रखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये बाहर डिब्बे में रखा रहता था, ये बच्चे काम में लेते हैं रोज़ हेयर ड्रायर को, तो मैं इसको ड्रॉल में रख दी ताकि उनको रोज़ आसानी से मिल जाए, और यहाँ पे निकाल के वो और ड्रेसिंग में से यहीं के ही रख दें। ज़्यादा बारीक नहीं हो जाएगा? यहाँ पे साफ कद्दूकस कर रहे हैं खीरे को, खीरे का रायता बनाएंगे, जीरा भी डाल देंगे ना, टिक्का हुआ जीरा। तो यहाँ पे साफ कद्दूकस कर रहे हैं खीरे को, तो और यहाँ पे फिर दही को फेंट के उसमें खीरा डाल दिए, और भुना हुआ जीरा और हरी मिर्च और लाल मिर्च और काला नमक, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिए तो ये खीरे का रायता बन गया। और यहाँ पे रोटी वगैरह खा चुके हैं अच्छे से सुबह सुबह। हेलो गाइस, आज है 23 तारीख और मंडे है आज, सोमवार। तो आज हमारे सुबह सुबह आंधी तूफान और बारिश भी आई है। कल परसों शाम को भी आई थी बारिश, लेकिन आज सुबह सुबह बारिश हुई है और आंधी भी आई है, और काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है। अब ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि अब बिल्कुल ठंडा मौसम है और ठंडी हवा चल रही है। तो बस अभी काम में लग रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई में। छोटे वाले को ड्राइंग बनवानी है तो ये ड्राइंग में थोड़ा वीक है, तो इसको मैं करवाती रहती हूँ। और जो बड़ा वाला है इसकी मतलब 8th की तैयारी हो रही है, तो अब ये 8th में जाएगा, तो आप जाएगा ना, गया ना मतलब। तो अभी छुट्टियां चल रही हैं इनकी, तो ये YouTube से ही मतलब तैयारी कर लेता है और किताब में से, तो जो भी समझ में नहीं आता है ये YouTube से कर लेता है आसानी से 8th की तैयारी। और इसको मैं ड्राइंग बनवा रही हूँ, और ये बना रहा है पैरट। आज 3 दिन से पैरट बना रहे हो आप, है ना, लेकिन इससे सारा पैरट बन जाता है और एक चोंच नहीं बन पाती पैरट की। जबकि मैं इसको आपको दिखाती हूँ भी ये कितनी बार बना चुका है, ये देखिए। ये नहीं, ये आपने इतनी इतनी बार बनाई है तो इसमें से एक बार भी सही नहीं बनी मतलब, है ना। और आपको पता है इतने वर्ड्स होते हैं ना, उनकी सबकी जो चोंच होती है वो अलग अलग होती है, सबसे प्यारी चोंच है ना पैरट की होती है, तो ये बन रही है। हाँ, वो इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि वो थोड़ी ऐसे गोल होती है जैसे अपनी चिड़िया की, है ना, सेम वही है, वो ऊपर से मोटी है नीचे से थोड़ी तीखी है, तो इससे देखिए चोंच नहीं बन पा रही है। आज इससे शाम तक मैं बनवा के रहूंगी, चाहे मैं कैसे भी बनाऊँ, कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन इससे मैं बनवाऊंगी, है ना, बनाएगा ना। अगर आप नहीं बना पाओगे ना तो मैं आपको खेलने नहीं जाने दूंगी, ना फुटबॉल खेलोगे आप ना पार्क जाओगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। और हमें जो चिड़िया है ना उसी का हम कलर भरेंगे इसमें, क्योंकि वो भी सेम ऐसे ही है, वो पैरट की जैसी लगती है, तो इसका ही एंड उसमें है ब्लैक, हाँ थोड़ा ब्लैक डॉट डॉट बने हुए हैं ब्लैक की, और इसका ही बहुत अच्छा लगता है और उसमें सेम मैच होगा तो अच्छा लगेगा। तो ये देख के बनाएगा उसको खुद को ही, मैं आपको सिखाती हूँ अभी, ठीक है, थोड़ा आप इंटरेस्ट तो रखो खुद तो। मैं पूरा पैरेट बना दूंगी, ले इधर आ जा, इधर आ जा, यहाँ पे नहीं है। अच्छा, वो वाली तो मैं दे दूंगी आपको, आ जाओ आप इधर, हाँ जिसमें ड्राइंग बनानी है, हाँ वो मैं दे दूंगी, आ जाओ आप, मैं दे दूंगी भी।
चले ये पता नहीं। तो आखिरकार देखिए मैंने इससे ड्राइंग बनवा ही ली और बोर्ड बड़ी मुश्किल से बनाया जाके, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो मैं बच्चों को ऐसे समझाती रहती हूँ छोटी छोटी बातें, उससे वो थोड़े लगे रहते हैं, मतलब छोड़ते नहीं उस काम को, और कंटिन्यू अगर करते हैं तो फिर अच्छे से वो चीज़ नहीं बनने वाली भी बन जाती है। तो देखिए यहाँ पे बन चुकी है। दोपहर में भूख लग रही है और अभी गर्मी का टाइम है तो दोपहर में भूख लगती है, थोड़े से पास्ता बना के खा रहे हैं। आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स। और दोपहर में भूख लगती है। वैसे लंच हो जाता है लेकिन बच्चों की वैसे आदत हो गई कि मतलब 4 बजे 3 बजे इनको भूख लगती है। फिर से 3 बार तो पानी पी लिया फिर से लग रही है। एक बार फिर ढंग से अम्मा आप बंद करो इसको, बंद करो। पुराना फोन दो आपका आपको आज मैं चीज दिखाता हूँ फोन में। यहाँ पे खा रहे हैं डार्क पास्ता, चिली पास्ता थोड़ा वो होता है ना चटपटे, तो अच्छे लगते हैं दोपहर में ना। कैसे लगे शिवम? यहाँ पे पास्ता खा लिए मैं, और अब मैं जो मेरी भतीजी हुई है छोटी वाली उसके गोल तकिया सी लूँगी, तो उसका जो सिर के पीछे लगाने के लिए, तो अभी आप मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं सिलाई करती हूँ उसकी। तो कॉटन के कपड़े में सिलूंगी मैं। तो यहाँ पे देखिए कॉटन का कपड़ा ली हूँ मैं, तो उसकी लंबाई देख सकते हो अब 9 इंच है, और इसकी चौड़ाई है 8 इंच प्लस 20। तो यहाँ पे ये मैं 2 पीस ली हूँ, तो इसमें आप फोम भी डाल सकते हो एक में, और मैं वैसे कपड़ा ही लगाई हूँ। तो एक को मैं एक तरफ रख दी और दूसरे को मैं डबल कपड़े दोनों लेके और चारों तरफ इसके लेस लगा लूँगी, और इसके बीच में देख सकते हो आप बॉक्स बनाई हूँ मैं सिलाई करके, ताकि इधर उधर कपड़ा किसके नहीं, तो जैसे बैग में लगाते हैं तो उस तरीके से मैं चारों तरफ बीच में सिलाई कर दी, और अब इसके चारों तरफ मैं लगा दूँगी लेस। तो यहाँ पे लेस लग चुकी है, और यहाँ पे जो दूसरा है वो मैं रख दूँगी, तो अच्छे से लेस को अंदर रखूँगी और चारों तरफ इसकी सिलाई कर दूँगी, और एक मुँह इसका खुला रखूँगी जिधर से कॉटन डलेगी, तो उधर से मैं इसको सीधा भी कर लूँगी सिलने के बाद। और यहाँ पे लेस को अंदर देके फिर सिलाई करूँगी मैं। और ऊपर वाला भाग है उधर से मैं खुला मुँह रखूँगी ताकि कॉटन आराम से आसानी से डल जाएगी, और जिधर सिर रहेगा उधर से मैं बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे चारों तरफ सिलाई हो चुकी है। आप और अब मैं सीधा कर लूँगी इसको, तो यहाँ पे खुला मुँह छोड़ दी मैं कॉटन डालने के लिए, और अब इसके बीच में सिलाई
डालूंगी। तो इस तरीके से देखिए, और ये जो बीच का सेंटर बना लूंगी मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 इंच का मार्किंग करी हूँ मैं, और यहाँ पे इतनी गोलाई दे दूंगी और इतने इसकी लेंथ रख के चारों तरफ सिलाई कर दूंगी। तो और बाकी जो जगह बचेगी उसमें कॉटन डाल दूंगी। तो इधर की साइड से मैं इसमें कॉटन डाल दूंगी। तो यहाँ पे देखिए कॉटन डाल के मैं मुंह को बंद कर दी ऊपर की साइड से भी, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गया है। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। सभी को जय माता दी एंड बाय बाय।